बात उस टाइम की करेंगे जब राजकुमार, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जैसे सितारों का नाम उस समय हुआ करता था, जो 60-70 से लेकर 80 तक अपना दबदबा जमा कर बैठे थे, जिन्होंने 90 के दशक में भी कुछ फिल्में दी हैं। इनमें से जो एक नाम आता है वो है राजकुमार का। राजकुमार की एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था गलियों का बादशाह, और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को एक छोटा सा रोल मिला था। खैर, इस बात की जानकारी पहले राजकुमार को नहीं थी कि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में एक छोटे से किरदार के लिए हैं, और मिथुन चक्रवर्ती उस समय एक स्ट्रगलर एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। हालांकि उनकी कुछ फिल्में आ चुकी थी, पर फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। जब इस फिल्म की शूटिंग चालू हुई और इस फिल्म के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और उसके बाद राजकुमार भी वहां पहुंचे, तो राजकुमार ने मिथुन को देखा और उसके बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को साइड में बुलाकर उनसे कहा कि अगर आपको एक्टर लेना ही था तो कोई बड़ा एक्टर लेते, भले ही रोल छोटा क्यों ना है। क्योंकि कहा जाता था कि राजकुमार उस टाइम एक एटीट्यूड वाले एक्टर हुआ करते थे, और वो अपनी फिल्मों में, चाहे वो फिल्म मल्टी स्टार फिल्म ही क्यों ना हो, अपने आप को सीनियर के तौर पर ही रखना चाहते थे और अपने फिल्म में सीनियर एक्टर को लेना ज्यादा पसंद करते थे। और इसीलिए शायद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म से हटाने की बात कही थी। और जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती को मालूम पड़ी, तब वो सीधा राजकुमार से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा, सर, मैं वही एक्टर हूँ जो आपकी फिल्मों में काम करने वाला हूँ। तब राजकुमार ने हंसते हंसते उनसे कहा कि ये एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिथुन ने भी वही जवाब दिया, सर, आप सही कह रहे हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है, पर आप अगर किसी स्ट्रगलर एक्टर को मौका नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपके साथ कोई काम भी करना पसंद नहीं करेगा। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने बात करते करते ये भी कह दिया कि मैं आपको एक सुपरस्टार बनके दिखाऊंगा, और मिथुन ने अपने आप को सुपरस्टार बनकर दिखाया भी। यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, अब तू मेरे ही फिल्म में काम करेगा, और दूसरा, अगर तुझे कभी भी जरूरत पड़ती है किसी फिल्म में छोटे मोटे रोल के लिए तो तू मुझसे कॉन्टेक्ट करना। मिथुन को राजकुमार की कुछ बातें बुरी लगी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कोई रिएक्ट नहीं दिया, जिसके बाद ये फिल्म बनकर तैयार हुई। लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, इसकी रिलीज डेट को काफी आगे बढ़ा दिया गया था। इसके बीच में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आ गई जिसका नाम था डिस्को डांसर, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि ये उस टाइम की पहली फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी और सारी फिल्में इनकी हिट होती रही। जब दौर आया 1988 का, तो उस टाइम और भी स्ट्रगलर एक्टर आ चुके थे और उस फिल्म की रिलीज डेट भी इसी समय थी, यानी 9 साल बाद गलियों का बादशाह रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा था। वजह ये थी कि उस टाइम इतने सारे नए नए एक्टर आ गए थे और मिथुन चक्रवर्ती भी काफी अच्छी तरह से चल चुके थे, जिसके चलते राजकुमार को देखना कोई पसंद नहीं करना चाहता था। जिसके बाद पोस्टर पर मिथुन का मेन फेस दिखाकर इस फिल्म को रिलीज किया गया। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने साबित कर दिया और राजकुमार को बता दिया कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया।